to you by Howzat. First game free. Download the app now. जयपुर में हुए पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से कई नए चेहरे देखने को मिले। जहां मार्क चैपमैन ने अपने बल्लेबाजी से किया सबको इम्प्रेस, वहीं रचिन रविंद्र अपने नाम के चर्चा से छाए रहे। आइए जानते हैं क्या है रचिन रविंद्र का इंडिया कनेक्शन। वेलिंगटन में जन्मे रचिन की कहानी है दिलचस्प। रचिन का है भारत के दिग्गज खिलाड़ियों के नाम का कनेक्शन। आपको बता दें, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में पहले ही भारतीय मूल के लेग स्पिनर ईश सोरी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। रविंद्र के पिता आर कृष्णमूर्ति 90 के दशक में काम के सिलसिले में न्यूजीलैंड सेटल हो गए थे और वहीं हुआ था रचिन रविंद्र का जन्म। रचिन के पिता का था क्रिकेट से खास लगाव और यही कारण है कि उन्होंने वेलिंगटन में अपना क्रिकेट क्लब भी शुरू किया। कृष्णमूर्ति का प्यार था क्रिकेट से भरपूर और रचिन के जन्म के बाद उन्होंने बेटे का नाम भारतीय दिग्गजों पर रख दिया। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के फैन कृष्णमूर्ति ने दोनों के नाम के अक्षरों को मिलाकर अपने बेटे का नाम रचिन रखा। अगर रचिन की T20 की बात की जाए तो बॉलिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। 6 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट उनके नाम हैं। अगर बैटिंग की बात की जाए तो T20 में 6 मैचेस में सिर्फ 54 रन हैं, लेकिन लिस्ट ए में उन्होंने किया है कमाल। 12 मैचेस में 316 रन जमा कर उनके एवरेज है 28.72 की। न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में रचिन को आगे आने वाले समय का सितारा माना जा रहा है। 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करके रचिन का कल द्रविड़ से मिलकर तो हुआ सपना पूरा, लेकिन उम्मीद होगी भारतीय पिचों पर अपना जलवा बिखेरने की।